बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भले ही विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया के संयोजक न बन सके हों, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें 2024 के चुनाव में पीएम फेस के तौर पर पेश करने की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पार्टी के रणनीतिकारों ने नीतीश कुमार को यूपी के उस फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। जेडीयू ने उनके चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर सीट पर न सिर्फ कई स्तर पर सर्वे कराया है, बल्कि पार्टी के एक सांसद, एमएलसी और बिहार के मंत्री को यहां सियासी जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी भी दे दी है। अब आपको बताते हैं जेडीयू के सर्वे जो आए हैं उनके नतीजे क्या हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीतीश की पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने उनके फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर हो रहे सियासी मंथन को खुले तौर पर कबूल भी कर लिया है। नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर न सिर्फ खुद को विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा साबित करेंगे, बल्कि वो पीएम मोदी को सीधी टक्कर देने की भी जुगत में रहेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो इंटरनल सर्वे में ये बात सामने आई है कि नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर विपक्ष को 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर सीधा फायदा होगा, जबकि यूपी समेत उत्तर भारत की तमाम सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ के ज्यादातर कुर्मी बीजेपी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस गठबंधन के साथ है, लेकिन नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर सिर्फ इन 2 दर्जन सीटों पर ही नहीं बल्कि समूचे यूपी में असर पड़ सकता है। आपको बता दें फूलपुर सीट यूपी के उस पूर्वांचल हिस्से में आती है जो बिहार से सटा हुआ है। इन सबसे अलग नीतीश की कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर सियासी लड़ाई को काशी बनाम प्रयाग बनाने की होगी। वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के जुड़ाव वाले प्रयागराज की फूलपुर सीट से खुद को पीएम मटेरियल की तौर पर पेश करना चाहेंगे। दरअसल पीएम फेस को लेकर विपक्ष में भले ही खींचातान हो रही हो, लेकिन तकरीबन 2/3 विपक्षी वोटों को एकजुट पर बीजेपी को हराने की कोशिश तमाम बड़े दल करना चाहते हैं। आपको बता दें फूलपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं, इनमें से सोराओं और फूलपुर में कुर्मी वोटर ही पिछड़ों में सबसे ज्यादा है। वहीं फाफा मऊ और इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर भी कुर्मियों की संख्या निर्णायक है। इलाहाबाद उत्तरी में संख्या औसत है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली थी, जबकि सोराओं सीट से सपा की गीता पासी चुनाव जीती थी। हालांकि बाकी 4 सीटों पर सपा मजबूती से लड़ी थी। नीतीश कुमार साल 2016 में फूलपुर में किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम कर चुके हैं। प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बनाने का श्रेय भी नीतीश कुमार को ही जाता है। नीतीश कुमार उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।